हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सभी को पता है पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कि जिसके पास ज्यादा ताकत है उसके पास ज्यादा पोटेंशियल होता है, जिसके पास कम ताकत है उसके पास कम पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब अगर एक बॉडी के पास 5Q चार्ज है, एक बॉडी के पास 10Q चार्ज है, तो किसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा? इसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब है कि किस बॉडी पर कितना चार्ज है, या हाउ मच चार्ज इज गिवन, हाउ मच चार्ज इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा, जिसके पास जितना कम चार्ज होगा उतना कम पोटेंशियल होगा। चलो एक चीज के साथ इसको रिलेट करते हैं। वाटर टैंक सभी के पास होता है, घर पे सबके होता है, ठीक है। जब वाटर टैंक फुल होता है तब तो टैप के अंदर जो वाटर है वो अच्छा बहुत सही प्रेशर से आता है, लेकिन अगर टैंक हमारा लगभग ये इतना खाली हो जाए तो तुम लोगों ने फील किया होगा कि बोला भी जाता है कि वाटर का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, पानी को कम यूज करो अदरवाइज टैंक खाली हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि इसके पास ज्यादा पोटेंशियल था, ज्यादा प्रेशर से पानी आ रहा था, इसके पास कम पोटेंशियल था, कम प्रेशर से पानी आ रहा था। मैं सारी की सारी कंडीशंस चार्ज और चार्ज बॉडी की यही वाटर टैंक को लेकर के सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इस चीज से इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, ठीक है। अब फ्लो की बात करते हैं, ठीक है। तो जिस बॉडी के पास ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दो तरीके से होता है। अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो ये फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर। अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की, तो ये इसका उल्टा होता है। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये चीजें एक बार देख लेना। तो नॉर्मल मैंने भी केवल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया है, तो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि किस डिग्री तक कौन बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है। अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या हमने सभी ने लाइंस देखी होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। एक लाइन हमारे घर में, जो लाइट आती है वो मैक्सिमम 240 वोल्ट आती है, ठीक है। फिर हम एक लिमिट और पढ़ते हैं 440 वोल्ट, एक लिमिट और पढ़ते हैं कौन सा 11,000 वोल्ट, फिर एक लिमिट और पढ़ते हैं 33,000 वोल्ट, फिर पढ़ते हैं 1,33,000 वोल्ट, ठीक। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? इन सब में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी करता है, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक, हाँ एक चीज हम भूल गए, 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट जनरली जब जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सब इतने वोल्टेज पे रन करते हैं। अगर हमारा हैंड हमारे जो इन्वर्टर बैटरी है उसके टर्मिनल से टच कर जाए, क्या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल कम है। वही अगर हमारा प्लग में सॉकेट में प्लग लगाते टाइम अगर कभी हार्ड टच हो जाता है बाय द वे, तो वहां इलेक्ट्रिक शॉक ठीक ठाक लगता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, और क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो भी ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। 440 में और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 11,000 वोल्टेज बेटा इतना होता है कि अगर 11,000 का कोई भी वायर यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो इतनी दूर से भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। 33,000 क्या है कि अगर मान लिया रूफ, रूफटॉप तक, मतलब हमसे अगर 3-4 फीट डिस्टेंस पर अगर कोई भी वायर पड़ा है और हमने आयरन की रोड हमारे हाथ में है और हमारे जो फीट है बेयर फीट है, मतलब हमने स्लीपर्स नहीं पहने हुए हैं, तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक शॉक हम तक लग सकता है। या ऊपर कोई वायर जा रहा है, वायर से कितना 2 फीट 3 फीट डिस्टेंस तक अगर हम आयरन की रोड ये लगा दें, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, अगर हम बेयर फीट हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और बहुत ज्यादा क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। किस चीज का अंतर था? केवल और केवल पोटेंशियल का ही तो अंतर था। वोल्टेज, पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या होगी, वो होगी वोल्ट। क्या होगी? वोल्ट। फॉर्मूला जो निकल करके आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। मतलब
मतलब किसी भी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। इट्स यूनिट इज वोल्ट, ठीक है? तो शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? VAB, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम VAB के नाम से नोटेट करते हैं। मान लिया कोई भी हमारे पास ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें एक चार्ज हमारे पास ए पॉइंट पर था, क्यू चार्ज, इसको मुझे कहाँ? बी पॉइंट तक लेकर के आना है, यहां से यहां तक, ठीक? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एक्स। कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी एक्स। मुझे इस चार्ज को यहां से यहां तक लेकर के आना है, तो सबसे पहली चीज ये देखना पड़ेगा कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारा VAB इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। इज दैट क्लियर? ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? ऐसा यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट आ जाएगी, वर्क की यूनिट कितनी होती है? जूल पर कूलाम, या फिर इसको हम वोल्ट भी बोल देते हैं। अब हमने ऐसा यूनिट भी फाइंड कर दिया, बात आती है डायमेंशन की, ठीक है? और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी सभी जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे? देखो, डायमेंशन के लिए क्या होगा? वर्क की डायमेंशन सबसे पहली चीज। वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ML2 T-2, और चार्ज की डायमेंशन हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूले से निकल करके आएगी, चार्ज की डायमेंशन होती है AT, ठीक है? हमने इतना कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा ML2 T-3 A-1। That clear? ठीक है, तो हो जाना चाहिए ये क्लियर। तो कितना हो गया हमारे पास? जो पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की डायमेंशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होगी ML2 T-3 A-1। कई बार ये वन मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार देख लेना ये क्या होगा, ठीक है? VAB का मतलब हम VAB को लिख देंगे VB-VA, ठीक है? क्यों हमने VB-VA किया? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर से पास आ रहे हैं, मान लिया कोई चार्ज मेरे पास यहां रखा था क्यू, इसका यहां पर तो कोई एक एक पॉइंट ये था ए, एक पॉइंट ये था बी, तो सीधी सी बात है ए पर जो फील्ड होगा वो कम होगा, ए पर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, और बी पर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आएगा VB-VA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? WAB अपॉन Q। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? तो VB-VA इज इक्वल्स टू कितना आ गया? WAB अपॉन Q, ठीक है? पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया है, अब इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो इतना नोट करने के बाद हम आगे चलते हैं, किसके पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। मान लिया ये कोई हमारे पास चार्ज क्यू था, इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज किसी भी एक पॉइंट ए तक, ठीक है? इन्फिनिटी से कोई भी एक चार्ज किसी भी पॉइंट ए तक, ठीक है, लाने में जितना वर्क डन किया जाता है, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब उसमें तो हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे थे, यहां पर हम क्या इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेकर के आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? वी ए, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल हम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू, कहां से? इन्फिनिटी टू ए। डब्ल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी टू ए। डब्ल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी टू ए अपॉन कितना आ जाएगा? कोई भी एक टेस्ट चार्ज हमने ले लिया था क्यू नॉट, और टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज तुम बहुत अच्छे से जानते हो, पहले भी कई बार डिफाइन कर दिया है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो
खुद तो अफेक्ट हो सकता है लेकिन किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकता है। राइट, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, VA इज इक्वल टू W, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यूनिट डायमेंशन और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक, तो अब इससे हम बात करते हैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन, क्योंकि हमारे पास जब इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट आ गई, तो हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनानी है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन का मतलब क्या होगा, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वाली कंडीशन में चलूं कि अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो मैं डेफिनेशन क्या बनाऊंगा, मुझे फॉर्मूला कौन सा लिखना पड़ेगा, WAB अपॉन Q। ठीक है, कोई भी चार्ज क्यू था, ये क्या आ जाएगा, VAB इज इक्वल टू, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसकी दो डेफिनेशन हो जाएंगी, वो क्या, इफ W वर्क डन, इफ 1 जूल वर्क डन, ठीक है, इफ 1 जूल वर्क इज टू बी डन टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इज दैट क्लियर, इफ 1 जूल वर्क इज टू बी डन, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये 1 जूल आ जाए, 1 कूलाम आ जाए, तो कितना हो जाएगा, ये 1 वोल्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा, इफ 1 जूल वर्क इज टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट। क्लियर, यानी कि दो पॉइंट के बीच में अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज को मूव कराना है जो कि 1 कूलाम पोटेंशियल 1 कूलाम क्वांटिटी का है, ठीक है, तो अगर उसको मूव कराने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा, दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि इफ 1 जूल वर्क इज टू बी डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है, चार्ज कितना होगा, 1 कूलम, इफ 1 जूल वर्क इज टू बी डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। इज दैट क्लियर, तो इंफिनिटी से यहां तक लाने में अगर कोई 1 कूलम चार्ज था, उसको यहां तक लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखोगे सही होगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, आ जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे, एट अ पॉइंट पी। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम जो जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है वो हम करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज और नोट डाल करके एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो केवल और केवल किसमें, कंजर्वेटिव फील्ड्स में ही डिफाइन हो सकता है। अब कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या होता है, मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया और 11th में भी डिस्कस किया था, कि ऐसे फील्ड्स या ऐसे फोर्सेस, दोज फोर्सेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच द वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो या वर्क डन विल बी सेम, नॉट द जीरो, वर्क डन विल बी सेम इन ऑल द कंडीशंस, आइदर यू विल एक्वायर एनी ऑफ द पाथ, देन दीज फोर्सेस आर नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब कहने का ये है, कोई भी पाथ एक्वायर करो ए से बी तक जाने के लिए, अगर सभी केसेस में वर्क डन सेम है तो क्या होगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था उस टाइम पे, कि यहां से अगर हम छत पर जाते हैं तो क्या, अगर मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को यहां तक ऐसे लेके जाऊं, ये मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ले जाऊं ऊपर, या थोड़ा सा मूव करा करके ये लेकर के जाऊं, सभी कंडीशंस में यहां पहुंचने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी होगी, क्यों, क्योंकि ये एक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी बॉडी को ले जाने में जो वर्क डन होता है, अगर वो हर कंडीशन में सेम रहता है तो वो क्या होगा, वो जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, ये सब क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसमें क्या, अगर मान लिया कोई भी एक फील्ड था, यहाँ पूरा बोर्ड मान लिया, इस पर पूरे बोर्ड पर फील्ड है, कोई एक चार्ज मतलब एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट बी ये था, मैं चाहे ये पाथ एक्वायर करके जाऊं, मैं चाहे ये पाथ एक्वायर करके जाऊं, या मैं स्ट्रेटली, ठीक
ठीक है, यहां से मुझे कहां ए तक पहुंचना है, बी से ए तक पहुंचना है या ए से बी तक पहुंचना है, हर कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, सेम रहेगा। हर कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तभी हमने यहां से प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। अभी हम इसको प्रूफ करने वाले हैं कि ये कैसे होगा। तो अभी हमने क्या लिया, कंजर्वेटिव फील्ड लिया है, उसमें हमने दो पॉइंट लिए हैं ए और बी। मुझे ए से बी तक जाना है, पहली बार में मैंने ए टू बी ये पाथ एक्वायर किया, दूसरी बार में मैंने ए टू बी ये पाथ एक्वायर किया। अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो फील्ड है ये क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। वो कैसे, सबसे पहली चीज हम निकाल देंगे वी ए बी। वी ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं वी, ठीक है, पहले हम ऐसे बी तक गए, अब लौट करके आते हैं, लौट के आते टाइम हमने दूसरा पाथ एक्वायर किया, हम गए वी बी टू ए, तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी टू ए अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। कोई एक चार्ज था क्यू नॉट, क्यू नॉट ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, मैंने क्यू नॉट लिया है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए अपॉन कितना आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। डब्ल्यू बी ए अपॉन कितना आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, दोनों में ही हमें वर्क डन दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा हमें, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट प्लस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए प्लस VA माइनस VB, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो VA माइनस कितना हो जाएगा यहां से, प्लस VB माइनस VA, इतना आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक चीज VA से VA कैंसिल हो जाएगा, पहला VB माइनस VA आया था, दूसरा VA माइनस VB आएगा। ठीक है, तो यहां से ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा, डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू बी ए, ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू ए बी ए, मतलब क्लोज पाथ के लिए, डब्ल्यू ए बी ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डब्ल्यू ए बी ए इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, These are, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल, ठीक है, एक चीज मैं यहां लिख रहा हूं, टर्म E क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर कोई भी हमारे पास क्लोज पाथ है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी E डॉट dl, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी उसी के फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स के लिए पढ़ा था, तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें सबसे पहले कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। लेट अस कंसिडर अ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड हियर, ठीक है, हमने क्या प्लस क्यू चार्ज यहां पर पुट कर दिया। उसके बाद हम कोई एक पॉइंट ए ले रहे हैं, हमें ए से बी तक चार्ज को लेकर क्या आना है, पहली चीज चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन से नहीं आना चाहिए, इज दैट क्लियर। कुछ चीजें हमें यहाँ ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो चार्ज का मोशन होगा ना, द मोशन ऑफ द चार्ज शुड बी यूनिफॉर्मली मोशन, नॉट द एक्सेलरेटेड मोशन, इज दैट क्लियर। सेकेंड वन, द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज विल बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, जितना इन दोनों के, मान लिया यहां पर मैंने क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ था, कितना क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, इस क्यू नॉट चार्ज के और इसके बीच जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, उससे ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा किसकी डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन में, जब जाकर के तब जाकर के चार्ज हमारा वहां की तरफ मूव करेगा।
ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज, दो पॉइंट हमारे पास आ गए क्या, कि चार्ज का जो मोशन होगा वो एसिलेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा, चार्ज जब हम मूव कराएंगे यूनिफॉर्मली मूव कराएंगे, और जो फोर्स लगेगा चार्ज पर वो इन दोनों के बीच जो फोर्स रिपल्सन लग रहा होगा उससे ज्यादा होना चाहिए। ये तो सभी को पता है कि जब तक इन दोनों, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के रिपल्सन से ज्यादा नहीं होगा, तब तक ये आगे मूव नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमने लेट किया कि चार्ज यहाँ रखा है, ए पर हमारा कोई एक पॉइंट था, बी हमारा एक पॉइंट था, हमें ए से बी तक चार्ज को लेकर के आना था, क्यू रोड चार्ज हमारा ए पर रखा हुआ था, इज दैट क्लियर। तो यहां से यहां तक जब चार्ज को लेकर के आएंगे तो उसके बीच में हम लोगों को पता है कि हम डिफरेंशियल टर्म लेकर के हम स्मॉल पैच की वैल्यू निकाल करके इंटीग्रेशन में लिमिट लगा करके बाकी चीजें फाइंड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सी से डी तक का जो मोशन था, सी से डी तक का जो मूवमेंट था वो डी आर ले लिया, इनफाइनाइटसिमल मूवमेंट डी आर ले लिया, ठीक है। और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी ली हमने, ये डिस्टेंस हमने आर ली, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, हमारे पास फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है, हम हमारे पास सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन, ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, dQ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, dV = dW/dW/Q, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। मान लिया यहां से यहां तक मूवमेंट करने में उसे कितना वर्क डन करना पड़ा, उसे dW वर्क डन करना पड़ा। तो dW वर्क डन का सीधा सा फॉर्मूला होता है, W = force × displacement, कितना हो जाएगा, F डॉट dr f external, मैंने ये क्या लिखा है, F external लिखा है, ये जो टर्म है ये F external है। तो F external की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F external = -F, -F इसलिए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिपल्सन फोर्स इस तरफ है, वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dW = -F·dr, इज दैट क्लियर। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, dW = -, ठीक है, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से, आर ए से आर बी तक, इनिशियल क्या है, ठीक है, इनिशियल क्या है हमारे पास, इनिशियल है आर ए, आर ए से कहां तक जाना है हमें, आर बी तक जाना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने लिमिट लगाई पहले आर ए, फिर हमने लिमिट लगाई क्या, आर बी, हम इस तरह से इंटीग्रेशन लगा के यहाँ आर ए से आर बी तक हम मूव करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर डी आर, ये आ जाएगा। बाकी चीजें हम फॉर्मल ले लेंगे, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, क्यों, कहां से ए से बी तक के लिए हमने लिमिट लगाई थी ना, ये आ जाएगा WAB = कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर कॉमन चल रहा है इसकी जगह मैं अभी के रख रहा हूँ, ठीक है, कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी आर ओवर आर स्क्वायर। अगर इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, तो इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1/r² dr का इंटीग्रेशन मैंने 11th में भी सिखाया था, तो इसको मैं यहाँ नहीं करूंगा, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्या बनेगा देख लेना। तो कितना आएगा यहाँ से, अगर इंटीग्रेशन 1/r² dr कहीं मिल जाए, इसकी वैल्यू आएगी -1/r, ठीक है, लर्न भी कर सकते हो, या जो 11th में पढ़ाया था उसको रिकैप करके देख सकते हो कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा WAB = -K Q Q नॉट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, -1/r, कहां से कहां तक, आर ए से आर बी तक, ठीक है, माइनस अंदर ले जाओ ये हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा यहां से, WAB = -K Q Q नॉट, कितना आ जाएगा यहां से, 1/rb - 1/r,
आरए, क्या ये हमारे पास वर्डन निकल करके आ गया? मतलब अगर हमें ए से बी तक उसको मूव कराना है तो हमें वर्डन करना पड़ेगा के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए। इसको आप आगे सोल्व करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी ए बी। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? वी ए बी लिखा है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट जिस चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं उसके लिए लेंगे, तो कितना हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू या क्यू अपॉन में भी लिख सकते हो वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए से बी तक मूवमेंट कराया जाता है। ठीक है, अगर अब हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर ए इज इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड आर बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ठीक है, आर बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम इसको आर ले लेते हैं या एक्स कुछ भी ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा वी ए बी इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस नहीं आएगा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ जाएगा वन अपॉन आर बी का मतलब वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, फॉर्मूला बनेगा वी ए बी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से अगर लेके आ रहा है तो वी बी हो जाएगा क्योंकि बी पॉइंट पर लेकर के आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा वी बी, वी बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये क्या होगा? रिक्वायर्ड पोटेंशियल होगा किस पॉइंट का? बी पॉइंट का। अगर हम किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बस ये डेरिवेशन कर लेना है, देख लेना एक बार इसको। नाउ वी डिस्कस सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, फर्स्ट इज जीरो ऑफ रेफरेंस। जीरो ऑफ रेफरेंस, जीरो ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि किस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं जिसको हमें मूवमेंट कराना है। ठीक है, तो जिस चार्ज को हमें मूवमेंट कराना है, टेस्ट चार्ज को जिसको हमें जहां रखना है, किस प्लेस पर हम रख रहे हैं, वो पॉइंट क्या होता है? जीरो ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे कि पहले इस केस में हमने क्यू नोट को कहा ए पर रखा था ना, तो ए पॉइंट क्या था? ए पॉइंट हो गया था वहां पर जीरो ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद अगर क्यू की वैल्यू किससे ज्यादा है? जीरो से ज्यादा है तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर क्यू की वैल्यू जीरो से कम है तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये चीज एक बार देख लेना। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, पहले भी बता चुका है, लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी आगे बढ़ने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। ठीक, तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी एक टॉपिक बचा हुआ है इस अभी जो नोट्स हैं उनमें से, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक्स।